Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज हम एक बारी फिर से अपनी दुबई सिटी के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और आज का इस चीफ ने भी हमें यहाँ पर एकदम से छुट्टी देकर रखी और ये मैंने आते ही यहाँ पर कहाँ पर लैंड कर लिया क्रॉस के पास। एक काम करते हैं भाई, हीरो ब्रांड के साथ मैंने अपनी छुट्टी यहाँ पर नहीं मनानी है तो पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और ऑल्सो भाई, अपनी दुबई सिटी आज यहाँ पर कितनी ज्यादा शांत है और अगर मैं एक्चुअली यहाँ पर ऊपर से देखूँ तो काफी टाइम हो गया है अपनी दुबई सिटी के अंदर, नई बिल्डिंग तो यहाँ पर बनी ही नहीं है। और और ये चपाती भाई कहाँ से बोल रहे हैं भाई? चपाती भाई किधर से बोल रहे हो? एक वाला पेड़ जाएगा यहाँ पे, अरे वाह, ये तो कुछ ज्यादा बड़े वाला हो चुका है। पेड़ उगा रहे हैं तो आई थिंक इसी प्लेन वाले सेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं चपाती भाई तो यहाँ पर होने ही चाहिए। अरे भाई साहब, ये हेलो चपाती भाई, क्या कर रहे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ भाई, क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरी हेल्प कर। कौन सी हेल्प भाई? मेरे को यहाँ अपना बिल्डिंग वगैरह बनानी है और अच्छा। बिल्डिंग बनाने के लिए हमको लकड़ियाँ चाहिए। ऑब्वियसली फंडा बहुत ज्यादा सिंपल है, हमें दुबई सिटी जो है डिस्ट्रॉय नहीं करनी पड़ती क्योंकि ये हो चुका है एक नेशनल पार्क, ठीक है ना? हाँ भाई, तो ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यहाँ पर टूरिस्ट लोग आते हैं। कुछ पेड़ तो उगाए हैं भाई आपने। अब मेन सिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सिटी के बाहर वाली बाउंड्री आ चुकी है दुबड़े बंदे। मुझे लगा भाई ये इस एरिया की बात कर रहे हो जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। पागल बंदे को सिटी की बाउंड्री पता भी नहीं है। बट एनीवेज, चीफ ने मेरे को बोल कर रखा है कि शहर के अंदर जो पेड़ लगे हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटीक है और ज्यादा जो है शहर को प्रोटेक्ट करते हैं मॉब से एंड तूफानी हवाओं से। ओके, हाँ हाँ हाँ। तो बस मेरी ड्यूटी यहाँ पर सिंपल है, बेसिकली मेरे को यहाँ पर लगानी है पेड़ और बाद में आके पेड़ काटनी है और यही पेड़ हम यूज करेंगे रिपेयरिंग पे और नई बिल्डिंग्स पे। लेट्स गो। आपको पता ना भाई, नई बिल्डिंग में अगर हम यहाँ पर ये वाले पेड़ यूज करेंगे तो आपको पता ना बिल्डिंग बनाने में कितना ज्यादा टाइम यहाँ पर लग जाएगा। एक तो भाई जैसे ये ट्री उगता है, पहले तो भाई ट्री के यहाँ पर 3 दिन लगते हैं, उसके बाद जैसे ये उग गए, ये कैसे टेढ़ा ट्री अपने यहाँ पर सामान कर दिया? बोन मिल है ना, टेंशन कहे करता है। लकड़ी किधर है इसकी? अरे ये टेक्निक होती है ट्री बनाने की। ट्रिलियन आपने यहाँ पर समन कर दिया चपाती भाई यहाँ पे। वाई समन द मोस्ट रेयरेस्ट ट्री इन माइनक्राफ्ट। अभी इसको तोड़ना नहीं है। लेट्स गो। ये देखो एक और। ये पता नहीं क्या, ये नॉर्मल लग रहा है भाई, लेकिन ये अपने कैसा है कैंपर मार दिया। ये देख इधर, ये देख, होलसेल में बोन मिला, होलसेल में रात हो चुकी है भाई। लेकिन आपको पता ना, एक दिन ये बोन मिल भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। अबे नहीं होगा, हमारे पास पूरा फार्म है इसका। ये भी सही बात है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा था कि भाई भले ही आप यहाँ पर भाई जितना बोन मिल आपको यूज करना है आप यूज कर लो, सिर्फ एक ट्री के अंदर से सिर्फ 6 लॉग्स यहाँ पर निकलते हैं। तो मनुष्य वाली बात कर रहा भाई। अरे भाई मैं सही बोल रहा हूँ। और आपको पता ना, 6 लॉग इकट्ठे करते करते आपको पता ना कितना बोन मिल भी चला जाएगा और कितना टाइम भी यहाँ पर चला जाएगा। और ऑल्सो अपनी दुबई सिटी के अंदर यहाँ पर भाई नए ब्लॉक्स तो यूज होंगे ही नहीं। यहाँ पे आपको पता ना 1.20 का अपडेट आया है और बहुत ज्यादा नई ब्लॉक्स यहाँ पर आई है। भाई तूने एक ही वर्ड में कितनी चालाकियों वाली बात कर दी, मेरे को हजम नहीं हो रही। रुक, मैं तेरे को चपेड़ मारता हूँ। hey, रहने भाई, आपको पता ना रात हो चुकी है, आ जाओ भाई पहले सोते हैं और कल सुबह मैं आपको एकदम से खतरनाक वाला हैक क्या बताऊंगा। ओके चपाती भाई, गुड मॉर्निंग। और आते ही भाई ये ले भाई साहब, बच गया यार, बच गया, जलता हुआ ज़ॉम्बी बच गया। लेकिन कोई बात नहीं, तो चपाती बाप को याद है ना कल रात हमने कौन सी प्लानिंग यहाँ पर की थी? क्रीपर है कहाँ से आ चुका है भाई? इससे पहले कि ये मुझे यहाँ पर फॉलो करे मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। चपाती भाई पकड़ो उसको, मेरे पास वेपन अच्छा है भाई। पंगे तू ले, पकड़ू मैं ये, क्या भाई डायमंड सॉर्ड मेरे हाथों के अंदर आ चुके तो मैं इसको पकड़ता हूँ यहाँ पे। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये ले। बड़े कहेंगे नाइस नाइस, अगर वो फटता ना तो भाई पूरे सिटी में डिस्ट्रॉय हो जाती और हमारे पास ट्रीज भी नहीं रिपेयर करने के लिए। अरे भाई कुछ नहीं होता चपाती भाई, टेंशन मत करो। तो पीछे से एक और आ रहा है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अच्छा पहले ही मर गया, पहले मैं खुदकुशी कर देता हूँ यहाँ पे। तो बता क्या प्लानिंग है तेरी? ओके, तो आपको पता ना भाई, अगर आप यहाँ पर लकड़ी यूज करेंगे तो आपको पता ना एक ट्री से सिर्फ थोड़ी सी लकड़ी यहाँ पर निकलती है और इसको फार्म करते करते बहुत ज्यादा टाइम निकल जाएगा। तो आज मैं इसी का आपको हैक भी बताऊंगा जिसमें हमको बहुत ज्यादा तेजी से वुड भी मिल जाएगी और ऑल्सो हमें नया ब्लॉक भी यहाँ पर मिलेगा। क्या बात कर रहा है, ये कौन सा हैक है? अरे मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन ये हैक को एक्सिक्यूट करने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा बैम्बू बायोम के अंदर। और वो कहाँ पर है? अरे भाई वो हमें भाई पता है, इसी तरफ हो गया। अरे इधर अपने पीछे बैम्बू बायोम है भाई, हमारी दुबई सिटी एकदम लकी जगह पर है भाई। सारी बायोम माइनक्राफ्ट की मोस्टली जितनी भी बायोम है ना, ये सारे यहीं पर ही हैं। वही तो भाई, तो आपको पता होगा कि माइनक्राफ्ट के 1.20 के अपडेट के अंदर यहाँ पर एक नई टाइप ऑफ वुड यहाँ पर आई है जो बनती है बैम्बू से। और आपको पता है ना, अगर आप बैम्बू ऐसे नीचे से तोड़ोगे तो ये देखो भाई लाइन के ऊपर आपको कितने सारे यहाँ पर मिलेंगे। ये लिटरली मेरे को इलन मस्क का रॉकेट लगता है जब ऊपर जाता है ना, उसके बैम्बू की पार्टी का भाई बहुत ज्यादा जबरदस्त लगता है। और यार मेरे को पता है, वो बैम्बू से हम नया जो है लकड़ी का वो ढांचा बना सकते हैं, बिल्कुल प्लैंक की तरह दिखता है ना वो, लाइक मैंने देखा उसका। बिल्कुल भाई, बिल्कुल ओक प्लैंक की तरह दिखता है, लेकिन थोड़ा सा लाइट है उसका कलर।
देखा यार, और उसके ऊपर अगर तुम लोग चलोगे ना तो उसकी जो साउंड इफेक्ट है वो भी थोड़ी बहुत डिफरेंट है, तुमने नोटिस किया? साउंड इफेक्ट भी डिफरेंट है भाई। हाँ। ये तो आपने कुछ ज्यादा ही डिटेल यहाँ पर दे दी एक लकड़ी के बारे में। माइनक्राफ्ट का चल भाई यहाँ से। अच्छा चलो चपाती भाई, काम करो, जितना बैम्बू आपको यहाँ से मिलता है सारा पहले इकट्ठा करो, फिर मिलते हैं दुबई सिटी के अंदर। लस्को। और चपाती भाई एक बार फिर से हम यहाँ पर आ चुके हैं सिटी के अंदर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये बैम्बू आपको कैसे यूज करना है। तो पहले हमें जाना है यहाँ पर ओपन सेक्शन के अंदर, और ये बैम्बू का एक्चुअली हम यहाँ पर बनाना है फार्म। ओके, समझ रहे हो ना? हाँ, तो पहले हमें कुछ बैम्बू यहाँ पर ऐसे लगाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लगाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा लगाएंगे। लस्को। और ऑल्सो हमें यहाँ पर चाहिए होगा क्राफ्टिंग टेबल, जो आई थिंक मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ ये रहा। तो क्राफ्टिंग टेबल मैं पहले मार लेता हूँ यहाँ पे। और चपाती भाई भाई ये वाली जगह एकदम से इनफ होगी। और जरा मैं पीछे देखू क्या ये उगतो रहा है ना। बोन मिल मारूंगे इसके ऊपर। अरे बोन मिल नहीं मारना भाई, इसके ऊपर बोन मिल वेस्ट नहीं करना, ये अपने आप उग जाएगा। अबे किधर तक लेकर जा रहे हो उसको? फटाक यार, अपने पहले तोड़ दिया। देखा भाई ये वाला अपने आप उग रहा है। तो ये बैम्बू एक्चुअली काफी ज्यादा तेज यहाँ पर उगता है। वो देखो इसके सामने एक और भी उग गया यहाँ पे। मैंने अभी नोटिस किया भाई, अगर इतनी जल्दी ट्रीज उगे ना तो दुबई सिटी के अंदर पूरा मसला सॉर्ट हो जाएगा। वही तो। और अभी इस बैम्बू का हम यहाँ पर बनाएंगे वुड। तो अभी अगर मैं यहाँ पर एक्चुअली सर्च करके देखूं तो मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि ये बनती कैसे। आई थिंक अगर मैं सारे ऐसे रखूं तो ये देखो ब्लॉक ऑफ बैम्बू अभी यहाँ पर आ चुका है। तो मेरे पास भी है ये देख पटाक। अरे है नाइस आपके पास है। तो एक काम करते हैं, पहले मुझे जितनी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ। तो अभी अगर मैं यहाँ पर बैम्बू लिखूं और यहाँ पर ऐसे क्लिक करके देखूं तो 17 ब्लॉक्स आ चुके हैं मेरे पास। और अभी अगर मैं ये सारे ब्लॉक्स यहाँ पर रखूं और इनको निकालूं तो ये देखो मेरे पास इतनी जल्दी आधा स्टैक ऑफ लकड़ी यहाँ पर आ चुकी है। और देख लो भाई ये बैम्बू कितनी तेजी के साथ यहाँ पर उग रहा है। और ये तो यार ये तो तुमने मेरे को पूरा हैक बता दिया, ये तो हमारी बिल्डिंग की पूरा मसला जो है पूरा सॉर्ट हो चुका है। वही तो भाई, तो हम यहाँ पर टिकटॉक हैक यूज करके एकदम से खतरनाक मॉडर्न बिल्डिंग यहाँ पर बनाएंगे। अरे मॉडर्न बिल्डिंग की बात नहीं है, मतलब बिल्डिंग के अंदर जो डीप कंस्ट्रक्शन होती है ना वो ग्राउंड लेवल की जो दिखती भी नहीं है, तो उसके लिए हम ये वाले ब्लॉक यूज कर सकते हैं। वही तो। ये देखो भाई अगर मैं इनको यहाँ पर लगा के देखू तो कितने ज्यादा बढ़िया यहाँ पर लग रहे हैं। और जब चपाती भाई ने यहाँ पर बोल ही दिया है तो आज भाई इसकी साउंड भी यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा ऊपर चुप, अभी चुप, अभी चुप, सुनियो। काम करता हूँ, थोड़ा बहुत पहले मैं ब्लॉक लगाता हूँ यहाँ पर, थोड़े और यहाँ पर लगा दो, पूरा लंबा करते हैं क्योंकि इसकी साउंड मैंने सुना है बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ASMR यहाँ पर चल रहा है। ऐसे मारू हो ना तेरे को, ऐसे मार भूल जाएगा, समझ गया? तेरे को ऐसी मार पड़नी चाहिए, ऐसी मार चल। अरे और आपको पता है ना भाई, इस लकड़ी के साथ आप एक्चुअली यहाँ पर हर एक चीज क्राफ्ट कर सकते हैं। आज मैं आपको क्राफ्टिंग टेबल में बताता हूं। मैं नहीं मानता, इससे क्राफ्टिंग टेबल तो क्राफ्ट होगा ही नहीं भाई। अरे क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट नहीं होता, लेकिन क्राफ्टिंग टेबल के अंदर बहुत ज्यादा चीजें हैं इसकी। तो अभी अगर मैं यहाँ पर बैम्बू लिखूं तो ये देखो भाई, आप यहाँ पर बोर्ड भी समन कर सकते हैं, फेंसेस भी बना सकते हैं, साइंस भी यहाँ पर बना सकते हैं, और ऑल्सो यहाँ पर डबल साइडेड साइंस भी बनते हैं। सीरियसली? हाँ भाई, ट्राई कर रही हो? अभी मुझे पता नहीं वो कैसे बनते हैं, आई थिंक उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर स्टिक चाहिए होगी। अच्छा मेरी बात सुन, तू अभी टिकटॉक हैक्स के बारे में बात तो कर ही रहा, तो काम कर, मेरे को एक और टिकटॉक हैक दिखाना भाई, खतरनाक वाला दिखाइए यार। अच्छा भाई खतरनाक वाला दिखाता हूँ, लेकिन उसके लिए भी एक्चुअली आपको बैम्बू वुड चाहिए। क्या बात कर रहा यार भाई, लेकिन पहले भाई मुझे साइन यहाँ पर टेस्ट करने, देख रहे हो भाई ये कितना कूल लग रहा है। पहले मैं लिखूंगा सब, और दूसरे साइड पे चपाती भाई लिख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा आपने दी, अरे भाई ये एकदम बढ़िया यार। एक और हैक भी मैं बताता हूँ साइन के बारे में भाई, फन फैक्ट में आपको बताता हूँ। तो यूजली भाई, यूजली गाइस जब यहाँ पर साइन लगाते हैं तो ये देखो भाई मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, मुझे यहाँ पर सब लिखना था लेकिन मैंने सब लिख लिया। लेकिन अभी अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप एक्चुअली इसको एडिट भी कर सकते हो। ओ नाइस, खतरनाक है ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सब टू लॉगी। अरे भाई साहब खतरनाक है ये। अच्छा, तेरी आपने पीछे से भी चेंज कर लिया। अरे ये साइन एक्चुअली अपने काम आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये वाला साइन उठा के ना हम यहाँ पर रख सकते हैं और हम इन चीजों की दो जगह बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा इस तरफ आ रहा है ना तो वहां पर लिख देंगे दुबई सिटी दिस वे। तो भाई आप एंट्री और एक्सिट लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर कोई बंदा इस तरफ जा रहा तो हम लिख देंगे वहां पर वो बैम्बू बॉय इस तरफ। भाई खतरनाक है ना। ऑल्सो भाई यहाँ पर हैंगिंग साइन भी बनते हैं, लेकिन पता नहीं वो कैसे बनते हैं अभी यहाँ पे। लेट्स गो, अभी एक और मेरे को एक हैक दिखा जो भाई। लेकिन अगला हैक बताने के लिए पहले मुझे जाना पड़ेगा क्रिएटिव मोड के अंदर। ये देखा और तेरे पहले से खेल रहे हो। मैं नहीं था क्रिएटिव मोड के अंदर, अभी जॉइन किया मैंने। लेट्स गो। ओके आ जाओ चपाती भाई, अभी मैं आपको हैक यहां पर बताता हूं। तो इस हैक से मैं एक्चुअली आपको बताऊंगा कि बैम्बू यूज करके आप सीक्रेट रूम कैसे बना सकते हैं। अरे भाई एकदम से खतरनाक हैक है। तो इसके लिए भाई बहुत सिंपल है, पहले आपको चाहिए यहां पर स्कैफोल्डिंग, उसके बाद आपको यहां पर बैम्बू वाली फ्लोर चाहिए। और अभी अगर मैं यहां पर लगाऊं स्कैफोल्डिंग तो देख रहे हो भाई स्कैफोल्डिंग का कलर और बैम्बू का कितना सिमिलर यहाँ पर लग रहा है। तो पहले मुझे नीचे जाना है और यहाँ पर लगाना है बैम्बू। ओ मैं समझ गया, मतलब कि तू यूज कर रहा है स्काफोल्डिंग एज अ डिस्गाइज। वही तो भाई, और ये लग क्यों नहीं रहा है भाई? मैं तो भाई यहाँ पर लगाना ही भूल गया बैम्बू को। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसके बाद मुझे यहाँ पर लगानी है बैम्बू वाली प्रेशर प्लेट, और इसको मुझे मारना है बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर।
क्या बन गया ये भाई? तो भाई और ऑल्सो ऐसे भाई यहाँ पर डीकोय भी बना सकते हैं ऐसे डिजाइनिंग के लिए, लेकिन आपको भाई यहाँ पर रिमेम्बर करना है कि एक स्कैफोल्डिंग के नीचे आपका सीक्रेट बेस है। ये तो मेरे को इंटेल का प्रोसेसर लग रहा है। ये देखो भाई, तो नहीं है। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे खड़ा हो जाऊँ और ऐसे क्राउच करूँ तो ये देखो पूरा जमीन के अंदर मैं तो घुस गया यहाँ पे। ऐसे कहते हैं गाइस पागल वाले काम, तो प्लीज ये मत करना। मैं तेरे को इजी तरीका बताता हूँ, बताओ। फाट फाट फाट, ये देखो एक मिनट भाई जरा मैं टेस्ट करूँ क्या कार्पेट के ऊपर ये चलता है। अरे कार्पेट के ऊपर नहीं चलता भाई, आपको प्रेशर प्लेट चाहिए यहाँ पे, वो भी बैम्बू वाली ना। वही तो भाई, ताकि एकदम से सिमिलर लगे। लेकिन अगर आप ऐसे हर जगह यहाँ पर लगा दो तो ऐसा लगेगा कि आपने सिर्फ डिजाइन यहाँ पर बनाया है। ओ ये, और भागते भागते आऊंगा जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन मेरे पीछे जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ज़ॉम्बी पड़ा हुआ है, वैसे भाग भाग क्या है एंड फटाक सीधा नीचे क्यों जा रहे? अरे भाई आप दूसरे ब्लॉक के ऊपर खड़े हो गए, देखा भाई एकदम से कूल है ना भाई ये वाला हैक भी। अरे नाइस है ये वाला हैक, एक्चुअली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया। तो गाइस अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड एट द सेम टाइम सब्सक्राइब। लेकिन अभी वीडियो खत्म नहीं हुई क्योंकि लॉगिन हमको दिखाने वाला एक और हैक। अच्छा आपको एक और हैक देखना, आज मैं आपको दिखाता हूँ और फाइनल हैक मैं आपको दिखाऊंगा एकदम से कूल पार्टिकल वाला हैक। वो पार्टिकल वाले हैक मेरे फेवरेट है भाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाहिए रेडस्टोन वाला ओर। तो ये देख रहे हो भाई, तो आपको पता ना रेडस्टोन ओर के अंदर कैसे यहाँ पर लाल लाल पार्टिकल्स निकलते हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि रेडस्टोन ओर को आप एक्चुअली गुस्सा कैसे दिला सकते हो। ओके बहुत ज्यादा सिंपल है। तो सिंपली आपको यहाँ पर चाहिए बॉटल ऑफ इंचांटिंग। और अभी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे, ये निकल क्यों नहीं रही है? अच्छा निकल रही है। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे, अभी ये चल क्यों नहीं रहा है? ओके देयर वी गो। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे मार के देखूंगा तो इवेंचुअली इसको यहाँ पर गुस्सा आ जाएगा। क्या बात कर रहा है? ये देखो भाई पार्टिकल्स कैसे बढ़ रहे हैं उसके। तो भाई तू पागल है, वो पत्थर है, पत्थरों गुस्सा नहीं आता। अरे वो देखो भाई अंदर से कैसे खतरनाक पार्टिकल्स निकल रहे हैं भाई। एक्चुअली बंदा गुस्से में आ चुका है यार। काम करते हैं, अभी अगर मैं यहाँ पर निकालू ग्लास और इसके आसपास ऐसे रखू ग्लास, लेस्को लेस्को लेस्को, इसको मारो यहाँ पर, इसको ऐसे मुझे लगाना है भाई। ये खतरनाक है वही। और चपाती भाई इधर आओ भाई, अभी आप टेस्ट सब्जेक्ट के नाम पे ऊपर से बोतलें फेंको। कौन सी बोतल निकाल लो भाई, मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉप कर लेता हूँ और मैं ऐसे पीछे से व्यू सबको दिखाता हूँ। उसके ऊपर जानी चाहिए क्या? हाँ भाई बिल्कुल, उसके ऊपर इतना कूल लग रहा है ना, कैसे लाल वाले पार्टिकल आपने बना दिए यहाँ पे। पूरा बंदा एकदम से तितर बितर हो चुका है भाई। अगर ये बंदा किसी मॉब में कन्वर्ट हो गया ना तो तेरे को एक ही चपेट मार लेगा ये। अरे चपाती भाई एक सेकंड भाई, मेरे पास बढ़िया आइडिया आया है। क्या? तो अब की बारी मैंने यहाँ पर निकालना है डिस्पेंसर और इसका मुंह ऐसे नीचे कर देना है। ओ भाई साहब, डिस्पेंसर के मुंह चेंज कर दी तूने तो भाई, तो खतरनाक बंदा निकला। अभी यहाँ पर इसको कवर करो, बॉटल मुझे एक बारी फिर से यहाँ पर निकालनी है और पूरा इसको मैं यहाँ पर भर देता हूँ ऐसे। इसकी बनाते हैं क्लॉक यहाँ पर चलता रहेगा। चपाती भाई पहले मुझे यहाँ से निकालना है रेड स्टोन। मुझे, मैं तो भूल ही गया कि क्लॉक बनती कैसे है यहाँ पे। मेरे को पता है, रुक जा हैंग ऑन, ऐसे बनती है। चल रहा चपाती भाई, देख रहे हो ना कितना कूल लग रहा है यहाँ पे। टूटियां खोल दी लॉगिन ने, टूटियां, लेट्स गो। इतना बढ़िया लग रहा है ना। और इससे पहले कि भाई कंप्यूटर फट जाए, पहले मैं मशीन को यहाँ पर ऑफ कर लेता हूँ। रॉबी देखो भाई साहब, मैं दूर खड़ा हूँ, कहीं फटना चाहिए। कूल लग रहा है ना एकदम से भाई। तो इसी हैक के लिए भाई एक सब्सक्राइब का बटन तो यहाँ पर बनता ही है भाई। ऐसा लग रहा है जैसे कि हीरो ब्रांड समन होने वाला है। खतरनाक, ये पार्टिकल्स कभी जाएंगे नहीं क्या? अरे आई थिंक अगर आप एक्सपी चकोगे तो ये चले जाएंगे। ओ भाई खतरनाक है यार ये तो। रुक मैं सारा एक्सपी चक लेता हूँ। अगर मैं सारा चपाती भाई एकदम से मोटे लेवल अभी आपको मिलेगा यहाँ पे होल सेल में। ऑब्वियसली ये एक्सपी वैलिड नहीं है, तो भाई फिर भी मेरे को उठाना है क्योंकि मेरी गेम के बाद यहाँ पर लावा में फेंक देना। और अरे यार चले गए सारे। अरे भाई एक्चुअली मस्त वाला हैक था यार ये, डेकोरेशन के एक्चुअली काम आ सकता है अपने। अच्छा ना, लेकिन इसके लिए भाई आपको एकदम से मोटे लेवल का एक्सपी यहाँ पर चाहिए होगा। और टेंशन ना, हमारे पास फार्म है ना। और आई थिंक अभी इस वीडियो में भी इतना ही काफी है। तो गाइस अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।